क्या आपकी गाड़ी हो जाएगी अप्रैल महीने के बाद बेकार, या फिर BS6 ईंधन डलवा कर चलेगा आपका काम? जानें इसके विषय में सारी जानकारी आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए निर्देशानुसार 1 अप्रैल 2020 से भारत में केवल उन्हीं वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन हो सकेगा जिसमें BS6 मानक वाले इंजन का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि मौजूदा BS4 इंजन वाले वाहनों की बिक्री नहीं हो सकेगी। यही कारण है कि सभी निर्माता कंपनियों ने जल्द जल्द अपने BS4 वाहनों के स्टॉक को क्लियर करने में लग गए हैं। और आपको बता दूं कि मार्केट में कई कंपनियों ने BS6 इंजन को देना भी शुरू कर दिया है। इस समय कार या बाइक को खरीदने से पहले BS4 और BS6 को लेकर ग्राहकों में एक बड़ा कंफ्यूजन है। तो आइए आज मैं आपको बताता हूँ BS4 और BS6 में क्या बेसिक डिफरेंस है, BS4 क्यों नहीं लेना चाहिए और BS6 क्यों हायर करना चाहिए, उसके बारे में आज सब कुछ हम अपने इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ BS4 के बारे में। फ्रेंड, इन दिनों मार्केट में बिकने वाली गाड़ियों में BS4 इंजन आता है जिसके ईंधन में सल्फर की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन भी अधिक होता है। BS4 इंजन से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का एक मुख्य कारण है, जिसकी वजह से फेफड़ों में इन्फेक्शन जैसी समस्याओं का उत्पन्न होना लाजमी है। फ्रेंड, मैं आपको BS6 के बारे में बता दूं कि BS6 वाहनों में कंपनी द्वारा एक एडवांस इमिशन कंट्रोल सिस्टम फिट किया जाएगा जो डीजल वाहनों में 70% और पेट्रोल वाहनों में 25% तक नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करेगा। और BS6 में आपको क्या अपडेट मिलने वाला है उसके बारे में आइए बताते हैं। तो BS6 ईंधन के साथ डीजल पार्टिकुलेटर फिल्टर DPF और सिलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन SCR को प्रयोग में लाया जाएगा, जो BS4 इंजन वाली गाड़ियों में नहीं मिलता है। वही रियल ड्राइव इमिशन RDE को भारत में पहली बार BS6 इंजन के साथ मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। कुल मिलाकर BS6 वाहनों में जो अपडेट आपको मिलेगा वो इसके इंजन और ईंधन पर असर डालेगा और इसका माइलेज और परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ेगा। फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास BS4 कार है तो आपको इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि BS6 वाहनों के लिए मिलने वाला ईंधन BS4 में भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि केवल पेट्रोल वर्जन की मैं बात करता हूँ। और BS4 डीजल वाहन और BS6 डीजल वाहन में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। BS4 डीजल वाहन में सल्फर की मात्रा 50 PPM तक होती है और BS6 में यह 10 PPM तक होती है, तो ये दोनों तो नहीं यूज किए जा सकते हैं, लेकिन पेट्रोल वर्जन में आप यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। BS4 और BS6 की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय हिंद।